पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 पाठ 5 यात्रा ऋचा की। इस पाठ में हम ऋचा की डायरी में लिखे संस्मरण को पढ़कर ऋचा की रांची से दिल्ली तक की रेल यात्रा को जानेंगे। अभी हमने संस्मरण शब्द का प्रयोग किया। संस्मरण लेखन की ऐसी विधा है जिसमें पुरानी यादों को क्रमवार तरीके से लिखा जाता है। पढ़ने पर ऐसा लगता है जैसे वे हमारे सामने घटित हो रही हो। दशहरे की छुट्टी में ऋचा अपनी बड़ी माँ के घर दिल्ली जा रही है। शिक्षिका ने उससे कहा, तुम वहाँ से लौटकर हमें अपना अनुभव सुनाना। ऋचा ने अपने मन में सोचा, कहीं कुछ भूल गई तो? उसने निश्चय किया कि वह एक डायरी साथ में रखेगी और उसमें यात्रा की बातें लिखती रहेगी। ऋचा की डायरी में लिखे संस्मरण बहुत रोचक थे। हम भी पढ़कर देखते हैं। मैं पहली बार राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी। मैं बहुत खुश थी। शाम 5:40 में हमारी ट्रेन थी। हम 5 बजे रांची रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो सूचना प्रसारित की जा रही थी, नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी। हमने आरक्षण चार्ट में अपना नाम और बर्थ नंबर देखा। ट्रेन के आते ही हम चढ़ गए और अपना सामान सीट के नीचे रख दिए। कुछ लोगों के पास अधिक सामान था तो उन्हें बीच वाली जगह में रखना पड़ा। इससे सबको बहुत परेशानी हुई। ट्रेन समय पर आई थी। थोड़ी देर में टिकट चेकर TTE आए और सभी की टिकटें देखने लगे। इस तरह उन्हें पता चल गया कि कौन कौन सी सीटें खाली हैं। इतने में मूरी जंक्शन आ गया। यहाँ भी कुछ लोग ट्रेन पर चढ़े। ट्रेन का अगला गंतव्य अब बोकारो स्टील सिटी था। अब तक ट्रेन में खाना आने लगा था। कुछ लोग अपना भोजन साथ लाए थे। आलू की भुजिया, लड्डू, काजू की बर्फी, नमकीन, इडली, सत्तू का पराठा, लिट्टी, आलू का पराठा और अचार। भोजन की खुशबू से डिब्बा भर गया था। ट्रेन में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के व्यंजन परोसे जा रहे थे। प्रत्येक तरह के भोजन के साथ आइसक्रीम भी दी जा रही थी। खाना पीना खत्म होने के बाद अधिकांश यात्री अपने बर्थ पर जाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। कुछ बच्चे वीडियो गेम खेल रहे थे तो कुछ युवा लैपटॉप खोलकर बैठे थे। लगभग 5 घंटे में हम गया पहुंच चुके थे और अब मुझे भी नींद आ रही है। अब कल की बातें कल लिखूंगी। चलिए, आपके लिए अब कुछ प्रश्न हैं। क्या आपने कभी ट्रेन में सफर किया है? ट्रेन से सफर करने के लिए पता कीजिए कि अधिक से अधिक कितने दिन पहले रिजर्वेशन करा सकते हैं। टिकट चेकर को क्या क्या काम होते हैं? आप टिकट चेकर को कैसे पहचानेंगे? ऋचा के डायरी के अगले पन्ने को पढ़ने से पहले रेलवे टिकट की जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये काउंटर टिकट है, यानी रेलवे स्टेशन पर जाकर यदि टिकट लेते हैं तो यह कुछ इस प्रकार दिखता है। बाईं ओर ऊपर PNR नंबर देख सकते हैं। ये 10 अंकों का होता है। PNR का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। इसके बाद आप ट्रेन नंबर, फिर यात्रा की तिथि, दूरी, इस टिकट में कितने वयस्क हैं और कितने बच्चे यात्रा कर रहे हैं, टिकट नंबर, नीचे आप देख सकते हैं कोच संख्या, सीट या बर्थ नंबर, लिंग, आयु। वर्तमान में ई टिकट की भी व्यवस्था है। घर बैठे इंटरनेट से या इंटरनेट कैफे से टिकट की बुकिंग की जा सकती है। इसमें भी सारी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने ऋचा की रेल यात्रा के पहले दिन के बारे में जाना, साथ ही आपने रेलवे टिकट पर दी गई जानकारी को पढ़ना सीखा।